हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बार आपके साथ तैयार हैं आपकी तैयारी अतुल महेश्वरी को कुछ बेहतर करने के लिए। और आज का ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसमें हिंदी का ये टॉपिक है संगत और असंगत, जो बेमेल शब्द होंगे चार ऑप्शनों में से, आपको उनमें से एक टिक करना होगा। शुरू करते हैं फटाफट। पहला है ममता, ए बी है वात्सल्य और सी है स्नेह और डी है प्रेम। इसमें आपको जो सबसे भिन्न है वो ऑप्शन आपको चुनकर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जो फर्स्ट वाला है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट होगा। मात्र 3 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए है दंपत्ति, बी है युगल, सी है जोड़ा और डी है प्रेमी। फटाफट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 1, 2, 3, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका भी। सबसे अलग है प्रेमी इसमें, दंपत्ति, युगल, जोड़ा और प्रेमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दीपक, बी है ज्योति, सी है प्रकाश और डी है तिमिर। इसके लिए भी आपको मात्र 3 सेकंड दिए जाते हैं। फटाफट आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाक्षिक, बी है साप्ताहिक, सी है वार्षिक और डी है प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 4 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, युवती, बी है बालिका, सी है दुहिता और डी है नवयुवक। इसको आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें सबसे जो है अलग कौन सा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतियोगिता, बी है भोजन, सी है खिलाड़ी और डी है दौड़। आप इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वरना हम आपको बता देंगे 3 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, भोजन, क्योंकि प्रतियोगिता, खिलाड़ी, दौड़ सेम है और भोजन इनसे सबसे अलग है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7, निर्णय, बी है परिणाम, सी है अंजाम और डी है लक्ष्य, ठीक है। जो इससे सबसे भिन्न हो इनमें आपको वो लगाना होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 7 का, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, लक्ष्य, निर्णय अलग है, परिणाम जो है सेम है, अंजाम भी सेम है, तीनों का मीन्स एक ही होगा लगभग, और लक्ष्य सबसे अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए है पंचांग, बी है पंचानन, सी है पंचम और डी है पंच। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। फटाफट आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका जो होगा वरना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किंतु, बी है कदाचित, सी है परंतु, डी है लेकिन। फटाफट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसका आंसर आपको जल्दी बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट होगा, कदाचित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कष्ट, बी है कृपा, सी है उपकार और डी है दया। इसके लिए भी आपको मात्र 3 सेकंड दिए जाते हैं, वरना इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगर आपको टाइम कम लगा रहा हो तो आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ही स्पीड से आपको क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वेत, बी है श्याम, सी है कृष्ण और डी है काला। तो जो सबसे भिन्न हो आप उसका आंसर हमें इसके में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, श्वेत, ठीक है। श्याम, कृष्ण, काला, ये तीनों सेम है लगभग, और जो श्वेत है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठोस, नेक्स्ट है वृक्तकाय, सी है मजबूत, डी है शक्तिवान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आप भी फटाफट इसके आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में साथ साथ देते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या, बी है जटिलता, सी है कठिनाई और डी है खेद। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, खेद, समस्या, जटिलता, कठिनाई और खेद, ठीक है। खेद सबसे भिन्न है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 14, रोष, बी है कोप, सी है अमर्श और डी है अशोक।
इसके लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अशोक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, साक्ष्य बी है प्रमाण, सी है गवाही और डी है शहादत। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, फटाफट आप इसका आंसर हमें बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, साक्ष्य गवाही और शहादत में सबसे भिन्न जो है वो है प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 16, छात्र छात्रालय गुरु और डी है इमारत। इसको तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि सबसे भिन्न इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नाखून बी है त्वचा, सी है बाल और डी है पलक। क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, आपको इसके लिए भी 3 सेकंड दिए जाते हैं, फटाफट आप इसका आंसर हमें बता दीजिए। तो इसका जो होगा सबसे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पलक, नाखून, त्वचा, बाल और पलक। ऑप्शन नंबर 18, सुरक्षा आरक्षण, सी है रखवाली और डी है रक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, आरक्षण। नेक्स्ट 19, दोष दाग, सी है कलंक और डी है आरोप। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए भी आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, फटाफट आप इसका आंसर हमें बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा इसका, 19 का बी दाग। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, चर्चा तर्क बखान और विवरण। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए भी आपको मात्र 3 सेकंड दिए जाते हैं, फटाफट आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दें, वरना लास्ट में आपने जितना भी स्कोर किया वो हमें बता दें, ताकि आपकी तैयारी का हमें भी कुछ अंदाज़ा हो सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 20 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे चैनल से, और वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अतुल महेश्वरी की पूर्ण तरीके से तैयारी कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।